हेलो एवरीवन, वेलकम टू एपिक बॉन्ग किचन। आज हम बनाएंगे हैश ब्राउन, झटपट बनने वाली इजी रेसिपी, परफेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट। मेरा साथ रहिए, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए मैं कैसा बनाती हूँ हैश ब्राउन। नया नया रेसिपी देखने के लिए मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि नया वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। इधर मैंने दो आलू लिया है 300 ग्राम्स का और पील करके मैंने धो लिया है। बाद में हमें फिर से एक बार धोना है। अभी हमें आलू ग्रेट करना है। लार्ज साइज का लिया है और एकदम स्मॉल साइज है। चलिए, आलू ग्रेट हो गया है। अभी हमें आलू अच्छा से धोना है जब तक स्टार्च नहीं निकल जाता है। तो मैं धो लेती हूँ। आलू मैंने अच्छा से धो लिया है, ये देखिए एकदम क्लीन पानी है, स्टार्च बिल्कुल भी नहीं है। अभी मैं एक चीज क्लॉथ ले लिया है, इसमें आलू डाल देती हूँ और स्क्वीज करके आलू में जितना पानी है निकालना है, एकदम ड्राई करना है आलू। ये देखिए आलू मैंने अच्छा से स्क्वीज करके एक्सेस वाटर ड्रेन कर लिया है, ड्राई कर लिया एकदम। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 कप चीज़। आपका जो भी फेवरेट चीज़ है आप ऐड कर सकते हो। चेडर चीज़ ऐड कर रही हूँ मैं 1। इसमें मैं 2 एग ले रही हूँ। सॉल्ट टू टेस्ट, चीज़ भी सॉल्टी होता है उसी हिसाब से आप सॉल्ट ऐड करें। क्रश्ड ब्लैक पेपर। अभी थोड़ा सा टेस्टी बनाने के लिए 1 टेबलस्पून फाइनली चॉप्ड कोरिएंडर लीव्स मैंने ऐड किया है, वेरी लिटिल चिली फ्लेक्स बट इट्स ऑप्शनल। ऐसा तो हैश ब्राउन के लिए सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर यूज़ किया जाता है, लेकिन आपको और भी थोड़ा टेस्टी बनाने के लिए आप कोरिएंडर लीव्स एंड चिली फ्लेक्स ऐड कर सकते हो। इट्स टोटली अप टू यू। इसे अच्छे से मिक्स करना है हमें। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून मैदा और ऑल पर्पस फ्लावर। चलिए, हैश ब्राउन के लिए रेडी हो गया आलू। गैस मैंने ऑन कर दिया, फ्लेम मीडियम पे रखा। अभी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वेजिटेबल ऑयल अबाउट 2 टेबलस्पून। तेल गर्म हो गया है, अभी मैं मीडियम टू लो पे कर दिया। आपको जो भी शेप चाहिए, राउंड स्क्वायर ओवल शेप बना सकते हो। फर्स्ट बैच में मैं 3 पीसेस फ्राई कर रही हूँ। हल्का हाथ से प्रेस करना है, बट मेक श्योर हीट मीडियम टू लो पे है, अदरवाइज जल जाएगा। हमें गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ा क्रिस्पी बनाना है। एक साइड हो जाए उसके बाद हम अदर साइड टर्न करेंगे। अभी हमें अदर साइड भी टर्न करना है। ये देखिए इसी तरह गोल्डन ब्राउन होना चाहिए। अगर आपको ज़्यादा क्रिस्पी चाहिए तो आप 3-4 बार इसी तरह टर्न करें। अगर मेरा ये रेसिपी आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। हो गया है, हम निकल लेते हैं। और इसे हमें किचन पेपर टाइल में रखना है ताकि एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। इसी तरह मैं और एक बैच बना लेती हूँ। स्पून का हेल्प से आप शेप बना लीजिए, आपको जो भी शेप चाहिए, और हल्का हाथ से प्रेस करना है इसी तरह। अभी दूसरा किचन पेपर टॉवल से हल्का हाथ से प्रेस कर लीजिए ताकि जो दूसरा साइड में एक्सेस ऑयल है वो एब्जॉर्ब कर ले। ये देखिए तेल एब्जॉर्ब हो रहा है। ये देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी बना है, बहुत अच्छा बना है। देखिए ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है हैश ब्राउन। आप टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर सकते हो, बहुत ही टेस्टी बनता है, इजी रेसिपी है, घर पे जरूर ट्राई करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू नेक्स्ट टाइम विद अ न्यू रेसिपी।
टिल देन टेक केयर, बाय।